Hey students, welcome back to digital platform of online study at the Allahabad. मैं आरुण तिवारी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्रोग्रामिंग इन सी का वीडियो लेकर के. आज का जो विषय हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो है प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स. अभी कल के क्लास में या इसके पहले तक जो भी प्रोग्रामिंग किया था उसमें आपने देखा था हमारा जो प्रोग्रामिंग हमने की थी उसमें सीक्वेंशियल लॉजिक फॉलो हो रहा था. सीक्वेंशियल लॉजिक का अर्थ है वहां पे क्या होता, हमने पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, कंपाइलर एक के बाद एक सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा था, पहला फिर उसके बाद दूसरा फिर उसके बाद तीसरा उसके बाद चौथा. तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो कैसा था, सीक्वेंशियल था, ठीक है ना. अभी कल तक जो हमने पढ़ा उसमें फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसा हो रहा था, सीक्वेंशियल, एक के बाद एक स्टेटमेंट को हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट कर रहा था, है ना. बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम चाहते हैं कि यहां के बाद सीधे हम यहां आ जाए, यहां से यहां आ जाए, ऐसा हो सकता है. तो देखिए नॉर्मली तो वो क्या करता है, सीक्वेंशियली जाता है. बट अगर आपको यहां से यहां जाने की आवश्यकता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो यहां से सीधे यहां पहुंच जाए. ऐसा कंपाइलर को बताना पड़ेगा ना कि आप वहां से वहां जाओ. तो ऐसा करने के लिए यानी कि नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल को चेंज करने के लिए, जो नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसा होता है, सीक्वेंशियल, उसको चेंज करने के लिए हमारे पास सी लैंग्वेज में कई अलग अलग तरह के प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं, ठीक है ना. तो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं, वो स्टेटमेंट होते हैं जो हमारे नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल को बदल देते हैं. नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल जो सीक्वेंशियल होता है उसको बदल देते हैं. समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर. तो आज की क्लास हम लोग इसी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स पे रखेंगे. हेडिंग डाल लीजिए प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स. By default, the flow of control in our program is sequential. Default में जो default तरीके से पहले से जो set है उस तरीके में क्या होता है, हमारा जो flow of control होता है वो कैसा होता है, sequential, अर्थात हमारा जो compiler है एक के बाद एक statement को execute करता है, ठीक है. To change this flow of control, we have different statements in C language known as programming construct. इस flow of control को बदलने के लिए हमारे C language में कई statements हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स कहते हैं. क्लियर, समझ में आया. अब अगर
हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट पढ़ना चाहें तो कई अलग अलग प्रकार के प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के। और ये अलग अलग प्रकार के प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट क्या है वो हम बारी बारी से देखते हैं, राइट। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट, यानी ना लीजिए ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट। ब्रांच करना मतलब कहीं अन्य जगह जाना, ब्रांच करना मतलब किसी अन्य जगह जाना। नॉर्मली कहां जाता है? अगले स्टेटमेंट पे। नॉर्मली कहां जाता है? अगले स्टेटमेंट पे। बट अगर आपको उसको अगले स्टेटमेंट ना भेज करके कहीं अन्य जगह भेजना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ब्रांचिंग। ठीक है ना, समझ में आया? तो ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट क्या होता है? स्टेटमेंट्स दैट सेंड द कंट्रोल टू एनी अदर स्टेटमेंट इज नो आर नोन एज को हम शॉर्ट में के लिखेंगे ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट। ठीक है, वो स्टेटमेंट जो कंट्रोल को किसी अन्य स्टेटमेंट में भेजते हैं उनको हम क्या कहेंगे? ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट। ठीक है, हमारे सी लैंग्वेज में दो तरह के ब्रांचिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। इन सी लैंग्वेज वी हैव टू टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग। पहला अनकंडीशनल ब्रांचिंग, और दूसरा है कंडीशनल ब्रांचिंग। ठीक है, तो ब्रांचिंग कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। कौन कौन से? कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। ब्रांचिंग दो प्रकार के हो गए, एक अनकंडीशनल जहां पे हम कोई कंडीशन नहीं चेक करेंगे, सीधे बोले वहां जाओ तो वहां चला जाए। ठीक है ना, जैसे ज्वाला क्लासरूम से मैंने कह दिया लास्ट स्ट्रीट पे जाओ तो वो चला जाए। बट अगर वो क्लास में घुसे और मैंने कहा कि अगर 9:30 बज गए हैं तो एकदम लास्ट में जाओ, अगर 9:30 नहीं बजे हैं तो यहां आओ, तो यहां देखिए कंडीशन बताया, अगर कंडीशन ट्रू है तो वहां जाओ अन्यथा यहां आओ। आप समझ सकते हैं, जो पहले बार हमने बताया था कि वहां जाओ वो कैसा था? अनकंडीशनल, वहां पे कोई कंडीशन नहीं, चाहे 9:30 बजे हो चाहे कुछ बजा हो सीधे पीछे जाओ, वो कैसा है? अनकंडीशनल। और यहां पे दूसरी बार जब हमने कहा अगर 9:30 बजे बच गए हो तो पीछे जाओ, उसके पहले अगर तो इधर आ जाओ, तो ये क्या है? कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से आपको भेजा जा रहा है, राइट। तो ऐसे ही सी प्रोग्राम में हमारे पास दो तरह के होंगे, एक अनकंडीशनल जहां पे हम कोई कंडीशन नहीं चेक करेंगे, सीधे बोलेंगे वहां जाओ, और इसमें क्या है? कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो इधर जाओ, फॉल्स है तो, राइट। समझ में आया?
चलिए हम सबसे पहले अनकंडीशनल ब्रांचिंग की बात करते हैं। यहां पे हम बिना किसी कंडीशन को चेक किए कंट्रोल को किसी अन्य जगह भेज रहे हैं, ठीक है। बट एक चीज मैं पहले बता दूं, हमारे सी लैंग्वेज में यह सुविधा जरूर दी हुई है, यह सुविधा दी हुई है कि आप सीधे उसको कहीं और भेज दें। जैसे मान लो यहां पे लिखा कई सारे स्टेटमेंट्स हैं और यह स्टेटमेंट लिखा है कि जाओ x पर, कहां चले जाओ, गो टू x, तो यहां से कहां चला जाएगा, x पे चला जाएगा। जब दोबारा रन करोगे दोबारा यहां आएगा गो टू x, यहां चला जाएगा। तीसरी बार रन करोगे फिर यहां आएगा, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये फालतू में इतने से चीजें दिखेंगे, क्योंकि यहां तो कभी जाएगा ही नहीं, सीधे सीधे लिखा यहां आएगा, लिखा है गो टू x, यहां चला जाएगा। तो इन स्टेटमेंट्स का कोई यूज है क्या? नहीं, नहीं। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही हम गो टू लिखते हैं तो हमारा कुछ चीजें वेस्ट हो जाती हैं, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप इसका भले ही मैं पढ़ा दे रहा हूं बट इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको बता दिया कि एग्जाम में पूछा जाए गो टू जैसा कुछ होता है तो पढ़ने यहां होता है, बट इसका प्रयोग अपने प्रोग्राम में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके प्रोग्राम को अनस्ट्रक्चर्ड बना देता है। क्या करता है? हाँ, आपके प्रोग्राम को अनस्ट्रक्चर्ड बना देता है। अब ऐसे सोचो, ज्वाला रोज आए क्लास में, रोज मैं पीछे जाऊं, दूसरे दिन आए फिर बोलो पीछे जाओ, रोज आए पीछे जाओ, तो या तो अगली बार से आते पीछे बैठेगा या फिर बोले आना ही बंद कर देगा, सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है कि अगर आपको ये बार बार यही भेजना है तो उसको मत देखो, सीधे सीधे इसके बाद ये लिख दो, काम खत्म, वही जाएगा, बाय डिफॉल्ट तो नीचे जाता है ना। जरा सोच लो ऐसा लिखा हो गो टू एक्स और एक्स यहां पर, तो यहां से कहां चला जाएगा, अब यहां पे कभी आएगा नहीं, यहां नीचे गया फिर यहां गया, वही काम वेस्टेज हो जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए हम लोग मना करते हैं, एक अच्छा प्रोग्रामर जल्दी गो टू का इस्तेमाल नहीं करता। बट हाँ, जहां मामला फंस जाए, जीवन मरण का प्रश्न है कि भैया अब तो कुछ रास्ता नहीं बचा, यूज कर लो, नहीं करने से बेटर क्या है कर लो। अगर पानी थोड़ा सा साफ नहीं है और प्यास के मारे जान निकली जा रही है तो पी लो, थोड़ा गंदा ही है तो पी लो, सब जान तो बच जाएगी, है ना। दिस कंस्ट्रक्ट सेंड्स द कंट्रोल टू एनी स्पेसिफिक स्टेटमेंट। यह कंस्ट्रक्ट क्या करता है? कंट्रोल को किसी विशेष स्टेटमेंट पर भेज देता है, राइट। इन सी लैंग्वेज वी हैव गो टू स्टेटमेंट फॉर अनकंडीशनल ब्रांचिंग। सी लैंग्वेज में अनकंडीशनल ब्रांचिंग के लिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट है? गो टू स्टेटमेंट है, ठीक है। हम वो चीज भी लिख दे रहे हैं, वी शुड अवॉइड यूजिंग
statement because it makes programming या program unstructured. हमें go to को avoid करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारे program को unstructured बना देता है. समझ में आया? जल्दी से note कर लें. बढ़े आगे? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए, अच्छी बात है. हेडिंग आ रही है गो टू स्टेटमेंट. Go to statement is used to transfer the control to a given label. Go to statement क्या करता है? Control को दिए हुए label पर भेज देता है. Control को दिए हुए label पे भेज देता है. ये लेवल आपको बताना पड़ेगा. लेवल आपको बताना पड़ेगा. इसका सिंटैक्स गो टू लेवल. सिंटैक्स क्या है? गो टू लेवल, यानी कि जहां कहीं भी ये लेवल लिखा है वहां चले जाओ. जहां कहीं भी लेवल लिखा है वहां चले जाओ. ठीक है ना? ये इसका सिंटैक्स है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा गो टू प्लेस वन पी वन. क्या लिखा? Go to P1. तो आपके प्रोग्राम में ढूंढेगा कहां P1 लिखा है. आपके प्रोग्राम में ढूंढेगा कहां P1 लिखा है और कंट्रोल को वहीं भेज देगा. समझ में आया? Is that clear? नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम इसका एक एग्जांपल देंगे. आगे बढ़े? गुड. चलिए एक एग्जांपल देखें, ज्यादा समझ में आएगा कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है. हमने यहां पर वेरिएबल बनाए हैं वी
ये कल वाला प्रोग्राम जो हमने आपको होमवर्क दिया था उसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कल हमने क्वेश्चन दिया था ना, इनपुट कराओ क्या, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और कैलकुलेट क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a, टाइम के लिए t वेरिएबल लिया और फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या वेरिएबल लिया, v। ठीक है, अब यहां पर हमने लिखा ये क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा। इसके बाद हमने लिखा मैसेज प्रिंट एफ एंटर इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड टाइम। हमने मैसेज दिया कि आपको क्या क्या इनपुट करना है, इनिशियल वेलोसिटी इनपुट करना है, एक्सेलरेशन इनपुट करना है और टाइम इनपुट करना है। और हमने इनपुट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया, जाहिर सी बात है स्कैनर। तो हमें तीन वैल्यू लेना है, तीनों किस टाइप के हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरी गुड परसेंट एफ। ठीक है ना, लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहला जो इनपुट लेंगे वो u में लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा इनपुट एक्सेलरेशन उसको किस में लेंगे, a में, और तीसरा जो टाइम है किस में लेंगे, t में। इनपुट वाला काम पूरा हुआ, ठीक है ना। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने लिखा v इज इक्वल टू u प्लस a मल्टीप्लाइड बाय t। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at, तो v इक्वल टू u प्लस at यानी a मल्टीप्लाइड बाय t। क्लियर, कुछ लोगों ने एग्जांपल यहां पे अपनी कॉपी में लिखा v इक्वल टू u प्लस at। अब मैथ्स में तो ऐसे लिख सकते हैं, बट कंप्यूटर में 80 का मतलब 80 एक नया वेरिएबल हो गया है ना, तो उसको बताना पड़ेगा a मल्टीप्लाई बाय t। क्लियर, तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करना दोबारा। अब हमें प्रिंट करना है, तो हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ फाइनल वेलोसिटी इज परसेंट एफ, और यहां पे फाइनल वेलोसिटी किसमें कैलकुलेट किया, वी में, वी प्रिंट कर दिया। अब यहां पर ये तो कल का प्रोग्राम है, मैं यहां पे जानबूझ के एक नया स्टेटमेंट घुसेड़ रहा हूं इसमें। यहां पर हमने लिखा गो टू पी वन और पी वन हमने यहां पे लिख दिया, पी वन और उसके बाद कोलन, यहां पे पंक्चुएटर क्या है, कोलन। तो गोट जैसे ही यहां से आएगा, आपने कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, यहां से आया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये हो गया v, ये हो गया u, ये हो गया a और ये हो गया t, डिक्लेयर हो गया, नीचे आएगा, स्क्रीन साफ हो जाएगा आउटपुट वाला। अब यहां पे क्या लिखा है, एंटर इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम, तो स्क्रीन पे लिख के आएगा एंटर इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड टाइम। अब आपको इनपुट देना है, सपोज आपने इनिशियल वेलोसिटी दिया सपोज 10, तो यहां पे हो जाएगा 10, एक्सेलरेशन सपोज 20 दिया, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद टाइम सपोज दिया आपने से 30 सेकेंड्स दिया, यहां तक ऐसे हुआ। अब यहां पे क्या लिखा है, गो टू पी वन, कहां जाएगा, प्रिंट करो फाइनल वेलोसिटी, तो लिखेगा फाइनल वेलोसिटी इज वी की वैल्यू, वी की वैल्यू क्या है, गार्बेज, तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा, जबकि इसे कैलकुलेट करके तब प्रिंट करना चाहिए था। और क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां से सीधे आपने कैलकुलेट वाले स्टेटमेंट ना भेज के कहां भेज दिया, यहां पे, तो आपको दिख रहा है कि यहां पे हमारा प्रोग्राम गलत हो गया, राइट। तो गो टू का समझ में आया क्या, कैसे काम कर रहा है, जैसे ही आएगा यहां से कहां चला गया, यहां पे।
अगर आपने P1 यहां लगाया होता सपोज, तो क्या होता? जैसे यहां था यहां चला जाता, फिर से स्क्रीन साफ कर देता, फिर से लेके आता, एंटर इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड टाइम, फिर आपसे इनपुट लेता, फिर वहीं चला जाता, उसी में आपको फंसाए रखता है ना, इनफाइनाइट लूप हो जाता। इज दैट क्लियर? तो आपको इसीलिए मना किया गया, आपको गो टू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस अगर इस एग्जाम्पल में से ये दोनों हटा दोगे तो कल वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कल जो हमने होमवर्क दिया था, है ना? नोट कर लो, जिसको नोट करना है। देखिए बेटा, मैं एक बार फिर से बोलूं, अगर आपको कभी भी लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो इसका आप लोग इंतजार मत करिए कि वीडियो बंद होगा तब पूछेंगे। वीडियो से कोई मतलब नहीं, वीडियो सिर्फ आपके रिपीटेशन के लिए बन रहा है। हाँ, जो लोग नहीं आ पाए हैं वो देख लेंगे, या आपको दोबारा देखना है आप देख लोगे। इसका कतई अर्थ नहीं है कि आप क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछोगे, चुपचाप बैठोगे। मैं क्लास में शोर करने के लिए मना करता हूँ, क्वेश्चन पूछने के लिए कभी मना नहीं करता हूँ, राइट? अगर किसी भी समय लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दोबारा पूछना है, पूछ सकते हैं, ओके? इसका इंतजार नहीं करेंगे, वीडियो बंद होगा तब हम पूछेंगे, आप पूछें, संकोच पूछिए, क्योंकि ये आपके सपोर्ट के लिए है, आपके रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए, ओके? चाहे दो बार, चाहे चार बार, दस बार पूछो, पूछने में कोई मना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने जो पढ़ा हो समझ में आया। किसी को कोई डाउट है? स्पीड ज्यादा तो नहीं है? आप क्या बोले, ज्यादा है? इससे इससे नहीं पूछेंगे, ये तो हमेशा मेरे साथ छोड़ दीजिए। तो हम लोग बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। अगला स्टेटमेंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? कंडीशनल ब्रांचिंग। कंडीशनल ब्रांचिंग, वही हम ब्रांचिंग का मतलब कंट्रोल को कहीं और भेजेंगे, बट अब की बात कंडीशन के साथ, ठीक है ना? दिस कंस्ट्रक्ट ब्रांचेस अ कंट्रोल to some other statements depending upon the result of an expression. ये कंट्रोल क्या करता है, सॉरी, ये स्टेटमेंट क्या करता है, आपके कंट्रोल को किसी अन्य स्टेटमेंट पे भेजता है। किस पे आधारित? एक एक्सप्रेशन पे आधारित। एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है तो यहां जाओ, फॉल्स है तो यहां। अब ये एक्सप्रेशन कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग। इसमें दो तरह की ब्रांचिंग हम लोग पढ़ेंगे, ब्रांचिंग भी दो तरह के होते हैं, कंडीशनल ब्रांचिंग भी दो तरह के होंगे। कंडीशनल ब्रांचिंग दो तरह के कौन कौन से होंगे? They are of two types. Conditional branching भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला two way branching। पहला क्या है? और दूसरा है multi way branching। कंडीशनल ब्रांचिंग कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? टू वे ब्रांचिंग और मल्टी वे ब्रांचिंग। टू वे ब्रांचिंग में क्या होता है कि हम कंडीशन चेक करते हैं। क्या करते हैं? अब कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा,
और कुछ हो सकता है? दो ही चीज हो सकता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स। ट्रू है तो इधर जाओ, फॉल्स है तो इधर जाओ। कितने रास्ते निकले? इसीलिए इसको कहते हैं टू वे ब्रांच। जहां पर हम कंडीशन चेक करके बताए ट्रू है तो इधर जाओ, फॉल्स है तो उधर जाओ, उसको कहेंगे टू वे ब्रांचिंग। और कई दफा ऐसा होता है कि x की वैल्यू चेक करो, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू 1 है तो इधर जाओ, 2 है तो इधर जाओ, 3 है तो इधर जाओ, 4 है तो इधर जाओ। देखो कई रास्ते निकल गए ना, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग जगह भेज रहे हैं। तो ये कैसा हो गया? समझ में आया? तो अनकंडीशनल ब्रांचिंग जो होते हैं, सॉरी कंडीशनल ब्रांचिंग जो होते हैं वो दो प्रकार के हुए, एक टू वे और एक ब्रांचिंग। इज दैट क्लियर? चलिए आज शुरुआत करते हैं टू वे ब्रांचिंग से, या हम आज इतना ही रहने, क्योंकि मैं भी ज्यादा पढ़ाने में विश्वास नहीं रखता। कल नए सेशन पे नए थे, मुझे पता है। तो मित्रों कल अपने अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कंडीशनल ब्रांचिंग जो दो प्रकार के हैं, टू वे ब्रांचिंग या मल्टी वे ब्रांचिंग। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे टू वे ब्रांचिंग क्या होता है और उसे कैसे यूज किया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और नहीं भी अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं और कारण बता देंगे तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।